एकदम हम कोई नहीं विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना है प्लीज। हम लोग परिवार हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई राजनीति, मेरा ही परिवार है, मेरा रिलेशन में मामा लगेंगे। और सरकार मुख्यमंत्री ने सुनते ही हो गया राजकीय समारोह, कोई नहीं विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना है प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो चुका है और बड़े ही देर से उनका जो शव है वो पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो खड़े हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एम्बुलेंस प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई अधिकारी कोई मंत्री अभी तक सुध बूध लेने के नहीं पहुँचे हैं। उनके जो परिजन हैं उनसे हम बात करते हैं। सरकार की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं दिख रही है, साफ साफ जो उनके छोटे भाई हैं वो इस वक्त खड़े हैं उनके बॉडी के सामने और कोई देख रहे हैं, कार्रवाई अभी तक अब नहीं हुई है। हम तस्वीरें भी लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से सभी जो पत्रकार यहां पहुंचे हुए हैं, जो छोटे भाई हम उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपके भाई कितने बजे सुबह निधन हुआ सर? जी करीब 8:30-9 के करीब। और अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, कोई मंत्री नहीं पहुंचे? जी नहीं। तो पहले भी सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता था? बिल्कुल नहीं, सरकार का तो कोई ध्यान शुरू से ही नहीं। और अभी भी ध्यान नहीं दिया गया? जी नहीं, अभी भी ध्यान नहीं दिया। एम्बुलेंस कुछ प्राप्त नहीं हुआ? अभी तक नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ है। जी नहीं, पहले भी वशिष्ठ बाबू बहुत नाराज रहते थे सरकार जी, जी, जी। बाहर देख सकते हैं आप। और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। देखिए, छोटे भाई हैं उनके और साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक कोई इन्हें सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे हैं, तस्वीर देखिए किस तरीके से वशिष्ठ बाबू की जो बॉडी है अभी भी पटना के पीएमसीएच में पड़ी हुई है। आम जनता एक एक सबक ले इससे कि ईंट पे ईंट बजाए सरकार को, लेकिन अब क्या कहें हम तो। खैर फिलहाल रुक दीजिए आप, आम आदमी जान रहा है कि क्या व्यवस्था होता है किसी का। नहीं, पहले गांव जाएंगे उसके बाद घाट। घाट पर सरकार का भी नहीं आना चाहिए? घाट पर सरकार एकदम हम कोई नहीं विरोध कर रहे हैं, परिवार का हाथ जोड़ के विनती है कि कोई नेता ना है प्लीज। जदयू नेता छोटू सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। छोटू सिंह, राजकीय समारोह, छोटू भैया पारिवारिक, हम लोग परिवार हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई राजनीति, मेरा ही परिवार है, मेरा रिलेशन में मामा लगेंगे। और सरकार मुख्यमंत्री ने सुनते ही हो गया राजकीय समारोह। राजकीय समारोह? हाँ हाँ, राजकीय समारोह के साथ इनकी होगी। गाँव तक जाएंगे? गाँव तक, अभी सारा देखिए ना, SDO सब लोग आ गए। देखिए पीएमसीएच में किस तरीके का माहौल, लोग ने कहा एक मिनट में मुख्यमंत्री जी ने राजकीय समारोह, ये राजकीय सम्मान के साथ हो गया, ये घाट पे होना चाहिए। देखिए घाट पे होगा, जिस तरीके से वादे अभी भी किए जा रहे हैं, अभी भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीएमसीएच में किस तरीके का बखेड़ा हो गया है आप देख रहे हैं लगातार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।